सत्संग में प्रसन्न होकर के सरदार जी के स्वामी बाड़ी में प्रसन्न होकर हमारे लिए ऐसी लौंडिया लाना बे जो की खूबसूरत होनी चाहिए और 16 साल से कम नहीं होनी चाहिए। जितना रकम लगेगा लगा देना, एक दो जो मिल जाएंगी सबको उठा के लाना। हमारे आदेश का पालन किया जाए। जो आज्ञा। क्या बताओ कि जब से मेरा कोठा प्रयागराज की धरती से जाकर के काशी बनारस बसा, तब से किसी के दिमाग में धंसा ही नहीं और ग्राहकों की कमी हो गई है। क्योंकि अगर इसी तरह से चलता रहेगा तो ये सरकार कितना जुल्म ढाएगी। चल करके देखती हूँ क्यों नहीं चलता। ऐसी ऐसी लड़कियां अपने कोठे पे रखूंगी कि दीवाने तो आते ही जाते रहेंगे लेकिन साले पीते जरूर हैं। कि सैया अंग अंग टूटाता बदनामा हो राजा, अंग अंग टूटाता बदनामा सवनवा से पहले आई का सैया, अंग अंग टूटाता बदनामा सवनवा से पहले आई बनवास पहले आई का। ए भैया बीएससी नहीं दिया ना बुझाई, में रह के राजा छुटिया बुलाई, ओ ये सी बी एसी नहीं दिया ना बुझाई, घरबा में रह के राजा छुटिया बुलाई। कि हमारा छल में पारल बापराना सबनवा से पगले आई का। किताबें तो हमने बहुत सी पढ़ी है। अजी नमस्ते। खुश रहा आय हाय जियत रह पालागी आनंद रह। हमारो नसीब भैया सबसे बढ़िया ऊपर वाला लिख दे बा, माई बाबू के कभौ नहीं पैर की प्रणाम करत है।
अरंडी के कोठा पर नौकरी कई कर अंडियन से कहा था पाल आगी देश भरे का मेहरारू और देश भरे के लड़कन को महतारी रोज सुहागिन होती नहीं रोज विधवा होती ए ऐसा ही है कि कोठा पर आए जे आए अगर रंडीन के कोठा पर ई बात आई ऐसा बा प्यारा नाम कौन बा ई ना ही काम करिए आ कोठा पर आओ बा अरोज पीवत तोहार कोठो साफ हो जाए। हेलो ये हमारे सरदार जी का हुक्म है। कौन हमारे सरदार कुंदन सिंह का ये कहना है कि आ हुस्न परी अच्छा आ हुस्न परी सुनाओ कोई ऐसे नगमे जिससे दिल मगरूर हो जावे कि आ हुस्न परी सुनाओ कोई ऐसे नगमे जिससे दिल मगरूर हो जावे और पिलाओ चाबू फन का जिससे गम दूर हो जावे। लेकिन एक बात है अबे बुर्तिया दिलीप वैसे कहे हैं और जा गए श्रीमान बबे भुटिया जी और साथ ही साथ दिलीप आदिवासी बसाट वाले और हमारे बबे भुटिया पत्थरपुर वाले दोनों महान भाव की ओर से साथ एक चार पे चलते हुए सुंदर से गीत गाते हैं कंपनी को धन्यवाद। लेकिन ए जी बोला कहा गया है क्या कि दिल का अरमान निकल जाए उसके बाद चाहे फिर कमबख्त जान निकल जाए क्योंकि अभी हमारे कोठे की हालत तो बहुत बेकार है। अच्छा चिंता न करें इसलिए हमने रेट बढ़ा दिया है। तब कितना कितना बार रेट रेट ऐसा ही लड़कन के कितना बा जवानन के कितना बा बुढ़ापन के कितना बा और है ईश्वर जी सरपंच हरण का कितना बा ये जो नौजवान है हाँ ईश्वर जी सरपंच हरण इनका 500 का यानी 500 है ईश्वर जी हरण का 500 रुपया लगे। हाँ लेकिन ससुराल हर प्रियत बहुत निर्भर है और इतना ही नहीं ये जो बच्चे हैं इनका 1000 और लड़का क्या कहा जा और ये जो बुढ़े साले हैं इनका 2500 हे विधाता आखिर में ईश्वर जी सरपंच हरण का 500 बा हाँ। लड़कन के 1000 बा बुढ़ापन का 250 कारण का बा क्योंकि ये बुढ़े जब आते हैं कि ये भी पीना शुरू कर दिए हैं ओहो और जब पी करके आते हैं हमारे कोठे पे तो खाया ना पिया और गिलास तोड़ा। अच्छा यही खाती ईश्वर जी सरपंच कहन का हाँ हेलो ये टोपी वाले ए ईश्वर जी सरपंच ईश्वर जी सरपंच कहते हैं क्या किसान की बात है कि जवानों से ज्यादा बुढ़ापों में जोश होता है बुढ़ापों में किसान की बात है कि इन जवानों से ज्यादा बुढ़ापों में जोश होता है अगर बुढ़ा एक बार पकड़ ले तो 6 घंटे में खामोश होता है। अच्छा 2500 बार पहले तो उठता नहीं बुढ़ा बुढ़ा सो जाता है। अरे ऐसा बात नहीं बा एकदम लेकिन एक बात है चलो चल करके देखते हैं अपने कोठे पर चलते हैं लेकिन ऐसे नहीं ए अरे दिल का क्या करे साग हाँ दिल का क्या करे साहब हम उन्हीं से प्यारी